नमस्कार, मैं सरिता शेखावत, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बेसन की बर्फी बनाएंगे। बेसन की बर्फी को आप इस तरीके से एक बार जरूर बनाकर देखिए, ये आपको भी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें लगने वाली सामग्री की मात्रा हम इसके बनाने के साथ साथ बताते जाएंगे। गैस ऑन करके हमने कढ़ाई को रख लिया है। दो कटोरी हमने बेसन लिया है। दो कटोरी बेसन के अंदर हम आधा कटोरी घी लेंगे और घी को हम एक बार में आधा डाल लेंगे, आधा घी हम बचा के रख लेंगे। घी डालने के बाद बेसन को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखिए बेसन थोड़ा सूखा लग रहा है, तो हम इसके अंदर बाकी का घी भी डाल लेंगे। बेसन की बर्फी बनाने के लिए बेसन के अंदर इतना घी होना चाहिए, ना तो बेसन में ज्यादा होना चाहिए घी और ना ही एकदम सूखा सूखा होना चाहिए, हमें इसके लिए इतना घी लगेगा। अब हम बेसन को धीमी आंच पर लगभग 20 मिनट तक पकाएंगे। बेसन को पकते पकते लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। ये बेसन अच्छे से पक गया है और इसके अंदर से खुशबू आने लगी है। ये देखिए इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो अब हम इसके अंदर शक्कर पाउडर डाल देंगे। मैंने इसके अंदर एक कटोरी शक्कर डाली है। जिस कटोरी से मैंने बेसन का माप किया था उसी से मैंने एक कटोरी शक्कर पाउडर डाला है। आप अपने अनुसार इसकी मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। शक्कर पाउडर के साथ ही इसमें हम 2 पिंच येलो फूड कलर डाल देंगे। इससे हमारी बर्फी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। फूड कलर इसके अंदर ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। शक्कर पाउडर डालकर अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए इसको हम कम से कम 10 मिनट तक धीमी आंच पर और पकाएंगे। दूध डालने के बाद बेसन को हमने लगभग 10 मिनट तक पका लिया है। ये देखिए कढ़ाई में कैसे इकट्ठा होने लगा है, तो इसका मतलब ये तैयार हो गया है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। बर्फी को जमाने के लिए हम एक ऐसा टीन ले लेंगे और उसके अंदर घी डालकर हम उसकी ग्रीसिंग कर देंगे ताकि हमारी बर्फी आसानी से निकल आए। पूरे मिश्रण को हम टीन में डाल लेंगे। पूरा मिश्रण हमने डाल लिया है, तो अब हम इसको चम्मच की सहायता से ऐसे पूरे टीन के अंदर बराबर मात्रा में फैला लेंगे। बेसन को टीन के अंदर फैलाने के बाद अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट की कतरन डालेंगे, जिससे कि हमारी बर्फी देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसको हम 1 चम्मच की सहायता से ऐसे अच्छे से प्रेस कर देंगे, जिससे कि ड्राई फ्रूट इसके अंदर अच्छे से चिपक जाएंगे। और इसको हम 10 मिनट तक ठंडा होने देंगे, फिर हम इसके स्लाइस कट करेंगे। इस तरह से बर्फी बनाकर आप उसको 8-10 दिन तक खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। टीन को हमने 10 मिनट तक ठंडा कर लिया है, तो अब हम इसके ऊपर कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो जाए। लगभग 1.5 घंटा हो चुका है, हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम इसको 1 चाकू की सहायता से दोबारा कट कर लेते हैं। ये लीजिए हमारी बेसन की बर्फी खाने के लिए तैयार हो गई है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेसन की बर्फी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।